मौका नहीं दिल गई थाना क्षेत्र के मोरसंडा पंचायत छोटी जातर गांव के अरविंद पासवान के 8 वर्ष पुत्री राजप्रिया रानी की सांप काटने से मृत्यु हो गई। घटना बुधवार दिन के सुबह 9:20 की है। सर्पदंश के बाद घायल बच्ची की परिजनों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फलका इलाज हेतु ले जाया गया, जहां दवाई उपलब्ध न रहने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोढ़ा रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के क्रम में चिकित्सक महोदय द्वारा मृत घोषित कर दिया। घायल बच्चों के परिजनों ने बताया कि राजप्रिया रानी का आज जन्मदिन था। पूजा अर्चना करने के लिए आंगन में लगे केला के पेड़ में पानी डाल रहा था, जहां पहले से काल बनकर बैठा एक विषैले सर्प ने उसे दाहिने हाथ में काट लिया, जिससे बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की मां आशा कार्यकर्ता का रो रोकर बुरा हाल है। वहीं घटना की सूचना स्थानीय मुखिया राजू नायक को परिजनों के द्वारा दी गई। वहीं स्थानीय मुखिया ने घटना की सूचना फलका थानाध्यक्ष मुन्ना कुमार पटेल को दिया। सूचना पाते ही थानाध्यक्ष मुन्ना कुमार पटेल दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर कानूनन प्रक्रिया ठोस करके पोस्टमार्टम हेतु कटिहार भेज दिया है। फलका से सरफराज आलम की रिपोर्ट। सांप काट लिया था, जिसके इलाज के लिए फलका अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र लेके गया गया, वहाँ से रेफर कर दिया और कोढ़ा प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र जाते जाते बच्चा का डेथ हो। कौन थाना क्षेत्र पड़ता? फलका थाना क्षेत्र है, मोरसंडा पंचायत छोटी चैतर वार्ड नंबर 4 का घटना है। सांप कैसे काटा बच्चे को? बच्चा पूजा के लिए केला का पेड़ के पास गया था, उसी क्रम में वहाँ सांप निकल के डस लिया। अब फिर से बच्चा घर आके बताया गया कि हमको सांप काट रहे, फिर पुनः सांप चले गया केला के था। बच्चा का पोस्टमार्टम करा रहे हैं? हाँ, बच्चा का पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा गया है, पंचनामा बनवा के अभी सदर हॉस्पिटल कटिहार भेजा गया है, और उसके बाद आने के बाद आपदा विभाग से इसको लाभ दिया जाएगा। आप अपना परिचय दें। राजू नायक, मोरसंडा पंचायत मुखिया। क्या मामला हुआ था? आज सुबह 9:20 पे मेरे परिवार की बच्ची है, भतीजी लगती है, राजप्रिया उसका नाम है, और उसको सर्प ने डस लिया। उसके आंगन में ही केला के पेड़ के पौधा के पास में था, छोटी बच्ची वहीं पे खेल रही थी और पानी उनी डाल रही थी। आंगन में तुलसी गाछ था, केला गाछ था, और सांप बिल से निकला, उसको डस लिया। इलाज के लिए लेके गया? इलाज के लिए इसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फलका, और फल दिखाया, फलका से इसको रेफर कर दिया, फिर कोढ़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दिखाया और वहीं पे इसको मृत घोषित कर दिया। अपना एड्रेस? मैं जयप्रकाश पासवान, हम न्याय मित्र हैं मोरसंडा पंचायत के, और एक एडवोकेट भी हैं कटिहार सिंह।